हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जो कि है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें एक ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जिसका हर उसके अंश से एक अधिक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना भिन्न का, यहाँ से अंश लिख लेते हैं, भिन्न का अंश बराबर x, तो यहाँ से भिन्न का जो हर है वो हो जाएगा, भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, तो अंश को हमने x माना है, तो हर क्या हो जाएगा, x+1, इस प्रकार से, है ना। तो अब यहाँ से भिन्न हमें पता चल जाएगा, भिन्न जो है ये बनेगा, क्योंकि भिन्न जो है अंश बटा हर होता है, तो अंश का मान x है और हर यहाँ पे x+1 है ना। और अब हमें x का मान निकालना है, तभी हमें ये भिन्न पता चलेगा, क्योंकि भिन्न का अंश हमने माना है ना, उस हिसाब से हर पता चला और कुल मिला के भिन्न पता चला। लेकिन यहाँ x का मान निकालने के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है, कहा गया है इस भिन्न का 3 गुना। प्रश्नानुसार चलते हैं, भिन्न का 3 गुना, तो भिन्न और यहाँ लिख देते हैं गुना 3 बराबर है उसके व्युत्क्रम के 2 गुने, है ना। तो भिन्न यहाँ से का व्युत्क्रम, भिन्न के व्युत्क्रम के 2 गुने से कम है एक, कम है का मतलब -1, इस प्रकार से, यानी भिन्न का 3 गुना भिन्न के व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो यहाँ भिन्न हम लिख देते हैं, भिन्न का मान है यहाँ पे x/(x+1) और गुणे में है 3 बराबर, भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, भिन्न x/(x+1) है, इसको उल्टा कर दो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, x+1 और बटे में x, इसके 2 गुने से एक कम है ये लिखा हुआ है। और अब इसको गुणा कराएं तो यहाँ पे हो जाएगा 3x ऊपर और नीचे x+1 बराबर में, देखो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लो क्योंकि ये 2 पार्ट में है, तो 2x और प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन में x, और ये -1 ऐसे ही रहा, ठीक है। और अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस -1 को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं x को एक तरफ करने के लिए, तो -1 यहाँ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर देखो ये 2x+2 अपॉन में x ऐसे ही रहा, ये पूरा इधर आएगा, यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x/(x+1), है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और अब यहाँ से इसका हर बराबर करने के लिए तिरछा गुणा करा लेंगे, तो 1 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे बटे में इन दोनों का गुणा होगा, यानी x/(x+1), और ऊपर देखो तो इसका गुणा यहाँ होना है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x+2 इसमें गुणा हो रहा है x+1 का, और ये x आके इधर -3 में गुणा होगा, तो -3x² बनेगा, ठीक है। और अब यहाँ से इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं, तो वो देखो यहाँ से क्या आएगा, 1 तो वैसे ही रहा बराबर, यहाँ से हम x का गुणा पहले इन दोनों में कराते हैं, तो x का गुणा 2x में, 2x² और x का गुणा ही 2 में हुआ, तो प्लस का 2x, और अब 1 का गुणा इन दोनों में होगा, तो ये आ जाएगा 2x+2, है ना, 1 से किसी में गुणा कराओ वही चीज़ आता है। और यहाँ पे है माइनस का 3x², और पूरे के डिवाइड बाई में देखो x, x का अंदर गुणा करा लो, तो x² + का x हो जाएगा ये, और अब इसका गुणा हम 1 में करा लेते हैं, तो ये आएगा x² + 1, सॉरी प्लस का x, इस पूरे का गुणा जो है यहाँ 1 में हो गया, तो वही रहा बराबर 2x² माइनस का x, 3x², तो यहाँ बचेगा माइनस का x², 2x² में से 3 घटाएंगे तो ये इतना आएगा, है ना। और इन दोनों को प्लस करें तो 4x+ का हो जाएगा, प्लस का 2, और अब इन सभी टर्म को इधर ले आते हैं, x² + x ऐसे रहा, ये माइनस का x² इधर जाएगा, प्लस x², इसको भी उधर ले चलते हैं, -4x
और टू यहाँ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। और अब इसको लिख पाएंगे, देखो x² + x² मिलके 2x² और इन दोनों का, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, माइनस का 3x आएगा 4x में और 1x घटेगा, तो ये बनेगा माइनस का 2 = 0। ठीक है, और अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण मिल चुका है और इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे और वो x का मान यहाँ रखेंगे तब जाके भिन्न मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि, इसका और इसका गुणा कराओ पहले, 2 × 2 = 4। और अब कहेंगे 4 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 3 आए, तो ये बनेगा 4 × 4। 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिल जाएगा। तो अब इसको लिख पाएंगे 2x² - 4x + x - 2 = 0। माइनस का 4x + x लिखे हैं, इससे अगर घटाएंगे तो -3x मिलेगा ना। और अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ 2x दोनों में है, यहाँ 2x बाहर गया, 1x बचा हुआ है x, और यहाँ से x बाहर चला गया, 2 इससे गया, माइनस का 2, यानी x - 2 यहाँ बचा। और इन दोनों से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी x - 2 बचा रहेगा = 0। इन दोनों से देखो तो x - 2 दोनों में है, इसको बाहर किया जाए और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x + 1 = 0। इन दोनों का गुणा होके 0 मिल रहा है, यानी या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो जब यहाँ से हम x - 2 = 0 करेंगे तो x का मान आ जाएगा 2, ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया। और जब इसको 0 करेंगे, 2x - 1 सॉरी + 1 = 0, तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो -1/2 आया है ना, तो ये माइनस में है और x का मान ये 2 प्लस में है ना। तो इस वाले प्लस वाले को हम लेते हैं और भिन्न का मान निकालते हैं, अतः वह भिन्न जो कि था x / x + 1, तो x का मान 2 रख देते हैं, ऊपर 2 और नीचे यहाँ भी 2 + 1, तो ये आ जाएगा 2/3 है ना। और ये वो भिन्न है जो इन सभी कंडीशन को वेरीफाई करेगा। प्रश्न में कहा गया था कि वह भिन्न ज्ञात करो जिसका हर उसके अंश से एक अधिक है, तो देखो यहाँ पे हर अंश से एक अधिक है, ठीक ना। और बाकी दूसरी कंडीशन है कि भिन्न का 3 गुना, इससे भिन्न का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना करें तो देखो 2/3, इस भिन्न का 3 गुना यानी 3 से गुणा, तो ये बनेगा 2। इस भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम को के 2 गुने से, इसके व्युत्क्रम से यानी 3/2 व्युत्क्रम के 2 गुने से, 2 गुना यानी 2 कट जाएगा, 1 कम है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, यानी यहाँ भी 2 आ रहा था, यहाँ भी 2 आ रहा है, दोनों कंडीशन वेरीफाई है, अतः हमारा आंसर यही होगा।